आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, जो प्रश्न दिया हुआ है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृति रूप में सुगम प्रणाली भी कहते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये ने दिया हुआ है ना, ये नहीं आएगा। क्या आएगा? विकृति रूप में सुगम प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो पहला है अव्यकृति प्रणाली, दूसरा है सहयोग प्रणाली, तीसरा पाठ्य पुस्तक प्रणाली, चौथा है निगम प्रणाली। तो हमारा क्या होगा, व्याकरण किसी भाषा के बोलने अथवा लिखने के नियम को व्यक्त करता है। जो ये हमारा व्याकरण है, व्याकरण क्या है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम को व्यवस्थित पद्धति है। क्या है? भाषा के बोलने, भाषा के बोलने के बोलने तथा तथा लिखने के नियमों लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति है। लिखने के नियमों के नियमों की व्यवस्थित पद्धति है, व्यवस्थित पद्धति है, पद्धति है। ऑप्शन देखेंगे, व्यवस्थित पद्धति है। व्याकरण अर्थात व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करने का कार्य करती, क्या करती है, व्यवस्थित करने का कार्य करती है। व्याकरण शिक्षण के पाठ्य पुस्तक प्रणाली में विकृति रूप में सुगम प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सुगम प्रणाली भी कहते हैं। यह व्याकरण शिक्षण को अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या अमनोवैज्ञानिक विधि है? तो देखेंगे ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो हमारा क्या होगा, पहले देखते हैं अव्यकृति प्रणाली किसे कहते हैं। यह विधि कुशल अध्यापक द्वारा शुद्ध व्याकरण के नियमों का ज्ञान तथा शुद्ध भाषा के प्रयोग पर बल देती है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है सहयोग प्रणाली। क्या है? सहयोग प्रणाली। तो सहयोग प्रणाली किसे कहते हैं, इस विधि के तहत व्याकरण के पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। जैसे कार्य के दौरान पाठ में आने वाले शब्दों का उपसर्ग प्रत्यय या संधि विच्छेद बताकर। तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, तुम्हारा पाठ्य पुस्तक प्रणाली क्या हो जाएगा, सही होगा। चौथा ऑप्शन है निगम प्रणाली। तो निगम प्रणाली, इस प्रणाली में पहले व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों का प्रस्तुत किया जाता है तथा बाद में उदाहरण के द्वारा नियमों को प्रस्तुत की जाती है। तो हमारा निगम प्रणाली भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा तीसरा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।